तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे पहली कार किसने और क्यों बनाई थी? बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना, ताकि आप भी आगे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो से रूबरू रहो। जैसे कि हेनरी फोर्ड एक आदमी थे जिन्होंने 1896 में एक कार्स का सिलसिला लॉन्च किया, और ये उतने उस वक्त खाली चार पहियों पर चलने वाली गाड़ी थी। इसमें कुछ इंजन विंजन वैसा कुछ टॉप मॉडल बेस मॉडल कुछ नहीं था, लेकिन 1908 में ये सक्सेसफुल होने लगी। इस गाड़ी की प्राइस बढ़ने लगी और ये लोगों के दिलों पर भी छाने लगी, जैसे यहाँ पर मारुति 800 छाने लगी थी लोगों के दिल पे। लेकिन जब इसकी गाड़ियों की सेल बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो हेनरी फोर्ड ने एक दिमाग लड़ाया और उन्होंने 5 वेजेस किए, मतलब ऐसा कि जो दिन को काम करते थे उनको वो शाम को पैसा देते थे। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने एक साल में 50,000 मॉडल बेचे एक कार के। और इसी के साथ साथ फोर्ड एंडेवर, जो एक एसयूवी कार मानी जाती है, जो कि अब इंडिया में नहीं रहे, उसका बोलबाला होता है। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके